दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात और मुंबई के महामुकाबले से पहले हार्दिक पांड्या ने अगला नीता अंबानी और रोहित शर्मा पर जहर। जी हां दोस्तों, मुंबई और गुजरात के बीच रोमांचक मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ऐसे में महामुकाबले के शुरू होने से पहले ही गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बौखलाते हुए नीता अंबानी और रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया। बयान जारी करते हुए हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसी बातें कह डाली है जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार हार्दिक पांड्या ने नीता अंबानी और रोहित शर्मा को लेकर क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान, इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2023 में लगातार 3 मैचों में जीत के बाद पिछले मैच में पंजाब किंग्स से हार का सामना करने वाली मुंबई इंडियंस मंगलवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होगा। मुंबई इंडियंस आईपीएल में एकमात्र टीम है जिसने गुजरात के खिलाफ लक्ष्य डिफेंड करते हुए जीत हासिल की। पिछला सीजन मुकाबले के लिए मुंबई के लिए खराब था, लेकिन टीम ने गुजरात पर जीत हासिल की थी। गुजरात टाइटंस की टीम ने सीजन में भी शानदार आगाज किया और अब तक खेले गए 6 मैचों में से 4 में जीत हासिल कर अंक तालिका में चौथे पायदान पर पहुंच गए। वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम 3 जीत और 3 हार के साथ 7वें पायदान पर काबिज है। मुंबई इंडियंस की टीम पंजाब के खिलाफ जीत की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी की वजह से टीम को जीत दिला दी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को लेकर उत्सुकता 7वें आसमान पर है। इसी बीच मुकाबले के शुरू होने से पहले गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने नीता अंबानी और रोहित शर्मा पर जहरीला बयान जारी कर दिया है, जिसमें हार्दिक पांड्या ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में मुंबई की टीम हारने के लिए तैयार रहे। मुंबई की टीम को गुजरात जैसी मजबूत टीम के साथ खेलना है। गुजरात की टीम पिछले साल टूर्नामेंट में आई थी और गुजरात की टीम ने पहले ही साल के अंदर ट्रॉफी जीतकर सभी को दिखा दिया है कि गुजरात की टीम सिर्फ जीतने के उद्देश्य से मैदान पर उतरी है। गुजरात की टीम को हराना किसी भी टीम के लिए आसान कार्य नहीं है। गुजरात की टीम ने ज्यादातर मुकाबलों में अंतिम ओवर में ले जाने का कार्य किया है और विरोधी टीम को हरा दिया है। पिछले मुकाबले में हमने लगभग हारे हुए मुकाबले को जीतकर लखनऊ की टीम को हराया था, जो कि एक महत्वपूर्ण मुकाबला था। इस मुकाबले से हमारी टीम के मनोबल में वृद्धि हुई है और हमारी टीम आगे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुंबई इंडियंस की टीम के लिए मैं कई सालों से खेला हूं और मुंबई इंडियंस की टीम ने मेरा काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। कप्तान रोहित शर्मा और मालकिन नीता अंबानी ने मेरे ऊपर हमेशा से विश्वास रखा और टीम को जीत दिलाने के लिए मेरे ऊपर पूरी उम्मीद भी बनाई रखी, लेकिन कुछ खराब प्रदर्शन हो जाने के कारण मुझे टीम से निकाल दिया गया, लेकिन मुझे गुजरात में शामिल किया जिसमें अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अब मैं अपनी पुरानी टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। मैं अब बेहतर प्रदर्शन करते हुए और जीत दर्ज करते के लिए उतरूंगा और कप्तान रोहित शर्मा के साथ नीता अंबानी को दिखा दूंगा कि उनका टीम में मुझे बाहर निकालने का फैसला पूरी तरह से गलत था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है गुजरात और मुंबई बीच होने वाले महामुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर पाएगी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।